A very good morning, everyone. Dear students, today we will discuss Chapter 8 Silk Road, written by Nick Middleton. Dear students, in this video, I will provide you overview of the chapter, summary of the chapter, main points of the story, and NCERT solution. प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो में मैं जो है एक तो समरी अवेलेबल करवाऊंगा, आपके साथ समरी डिस्कस करूंगा चैप्टर की, फिर चैप्टर के मेन पॉइंट्स क्या है, चैप्टर की मेन इंसिडेंट क्या है वो आपको जो इसी बुक इसी वीडियो में मिल जाएगी, और इसके साथ साथ आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कि एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है किसी भी दूसरे वीडियो में या किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ आपको जो है बाकी वीडियो की तरह जो इसी वीडियो में मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर सिल्क रोड। सबसे पहले मैं आपको जो सिल्क रोड के बारे में बता देना चाहता हूँ कि सिल्क रोड का मतलब है कि ऐसा रास्ता जिस जहाँ से जो है सिल्क का व्यापार किया जाता था। प्राचीन भारत में जो है एंशियंट टाइम के दौरान जो है भारत और चाइना के बीच में, या बात कहें कि एशिया के बीच जो व्यापार होता था वो सिल्क के रास्ते से, सिल्क रूट के रास्ते से होता है। तो उसी रास्ते जो है राइटर जो निक मिडल्टन है, जो कि एक बड़े अच्छे ज्योग्राफर रहे हैं, जियोलॉजिस्ट रहे हैं, जिनको जो है काफ़ी रिस्की जर्नी करने का जो है इंटरेस्ट रहा है, तो यहाँ पर भी वो अपनी इसी जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। द ऑथर हैज गिवन अ गुड अकाउंट ऑफ हिज जर्नी टू कैलाश। राइटर जो है हमें कैलाश की जर्नी के बारे में अपनी पूरी अच्छी जानकारी देते हैं। इट इज़ अ डिफिकल्ट जर्नी एज द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ब्लॉक द पिलग्रिम्स इन एवरी रिस्पेक्ट। वो कहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल जर्नी थी, जो ऐसे रास्ते से, ऐसे पहाड़ी एरिया से थी जो बर्फ़ से ढके हुए थे, ब्लॉक द पिलग्रिम्स इन द एवरी रिस्पेक्ट, जो कि हर पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो धर्म यात्रा, धार्मिक यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए होता है, उन सभी को ये बातें महसूस, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। द प्लेसेस आर स्कंटी एंड द स्नो इंटरप्ट द पाथ, और जो रास्ते थे वो काफ़ी उलझन भरे थे और बर्फ़ से जो पूरी तरह से ढके हुए थे। द ट्रैवलर फील्स एग्जॉस्टन एंड कोल्ड, और जो ट्रैवलर थे, जो यात्री थे, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टन, थकावन महसूस करते हैं और ठंड महसूस करते हैं। मोस्ट ऑफ्टन हिज नोस्ट्रिल्स एंड द चेस्ट नीड मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। और राइटर कहता है कि उनकी जो नोस्ट्रिल थी, जो यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, और चेस्ट, और उन्हें अपनी चेस्ट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और मेडिसिन की जरूरत रही है। आफ्टर रावू द ऑथर हेडेड टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कम्प्लीट द पोरा। देखिए, पोरा जो है एक प्रोसेस है जो कि बौद्ध धर्म में अपनाई जाती है, एक डांस होता है, एक प्रथा होती है, उसी को देखने के लिए राइटर जो है कैलाश की यात्रा करता है। और आफ्टर रावू, रावू के बाद जो है राइटर जो है सीधा जो है चल पड़ता है माउंट कैलाश की तरफ, जो अपनी जर्नी के लिए। दे मूव टू चतांग एंड हैड टू इक्विप देमसेल्व्स विद वार्म क्लोथ्स टू सेव फ्रॉम स्नो। और वो जो है चतांग से जो है सीधे चल पड़ते हैं। हैड टू इक्विप देमसेल्व्स, इक्विप देमसेल्व्स का मतलब है अपने आप को उपकरणों से लैस कर लेना, यानी कि उपकरण क्या चाहिए थे, कपड़े चाहिए थे, वार्म क्लोथ्स चाहिए थे, टू सेव फ्रॉम स्नो, बर्फ से बचाने के लिए। इन द वे रास्ते में वन कैन सी डोरकबास विद डियर एनिमल्स, और रास्ते में उन्होंने डोरकबास देखे, यानी कि जो एक तरह से कहें कि जो गडरिये थे, जो कबीले, जो एक तरह से वहाँ के नेटिव विलेज थे, उनको देखा एनिमल्स के साथ। द वे हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द सिल्क रोड, और वहाँ पर जो उन्होंने सिल्क रोड का जो डेजिग्नेशन देखा, जो रास्ता उन्होंने अपनाया, और यहाँ पे तो इन एंशियंट टाइम यहाँ पर जो एक डेजिग्नेशन किया गया है सिल्क रोड को, जो है पहले राइटर बता देना चाहता है कि सिल्क रोड क्या था। तो यहाँ पर वो बताता है, इन एंशियंट टाइम, पुराने प्राचीन समय के दौरान, तिब्बतन डॉग्स वर ब्रॉट देयर सो सेफ गार्ड द नोमाड टेंट्स। और यहाँ पर जो तिब्बत के तिब्बती कुत्तों को जो लेके आया गया था, देयर टू सेफ गार्ड द नोमाड टेंट्स। नोमाड्स का मतलब होता है जो वहाँ पर पशु चराने वाले लोग होते हैं, उनके टेंट की सुरक्षा करने के लिए शिकारी कुत्तों को वहाँ पर लेके आया गया। तो उन कुत्तों को राइटर ने देखा। द ड्राइवर हैड टू ऑफ्टन चेक द आइस फॉर ड्राइविंग द कार। और देखिए राइट, क्योंकि वहाँ पर रास्ते पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी, और बर्फ गिरने के दौरान जो है काफ़ी स्लीपी जो है रास्ता हो चुका था, तो राइटर को बार बार जो है कार से नीचे उतर कर जो बर्फ़ को चेक करना पड़ता था कि बर्फ़ कितनी ज़्यादा हटानी पड़ती थी। यहाँ राइटर के एक दोस्त थे जिनका नाम है सेतन, सेतन जो है उनके साथ जो है ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं।
द टॉप ऑफ द पास एट 5515 meters इज डेकोरेटेड विद फेस्टून्स एंड द प्रेयर फ्लैग्स। उसके बाद जब राइटर और उसके साथी जो है 5515 meter की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने उस एरिया को जो अपने फ्लैग्स के साथ जो है डेकोरेट किया था। इन द प्लेट्यू पठार पर वन कैन सी साल्ट लेक्स, और उन्होंने इस प्लेट्यू पर पठार पर जो है एक झील देख सकते थे, नमक की झील देख सकते थे। और बाय द वे झील जो है सूखी हुई थी और यहाँ पर वर्कर्स जो है नमक को जो है इकट्ठा कर रहे थे। और इज द वेल नोन टाउन सिचुएटेड ऑन द लेक ऑफ मानसरोवर, और वो मानसरोवर झील के पास पहुँच चुके थे। और यहाँ पर जो उन्होंने जो शहर देखा था, एक जो जगह थी और यहाँ पे एक जगह का नाम है जो कि एक वेल इक्विप्ड और वेल डेकोरेटेड सिटी है, टाउन है, जो कि मानसरोवर झील के पास है। इट इज़ सेड, ऐसा कहा गया है दैट कि द प्लेस इज द सोर्स ऑफ 4 great rivers, कि मानसरोवर झील को जो है 4 नदियों का मुख्य सोर्स माना जाता है, द इंडस सिंधु नदी, द गंगेज गंगा नदी, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज आर द 4 rivers ओरिजिनेटेड फ्रॉम मानसरोवर लेक, जो कि मानसरोवर झील से चारों नदियां जो ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर जो है राइटर ने इस चीज़ को भी जो है एक्सप्लेन किया है। इट इज़ सेड दैट द प्लेस इज द सोर्स 4 rivers, ये हो चुका है। और डॉर्चिन इज अनदर स्नो केप्ड एरिया विच रिमेन्स थ्रोंग्ड बाय पीपल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पिलग्रिमेज। उसके बाद डॉर्चिन जो है एक दूसरा प्लेस है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है और जहाँ पर जो सामान्य तौर पर पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थयात्री जो आकर रुकते रहते हैं। आफ्टर डॉर्चिन वन कैन गो टू कैलाश पोरा, और उसके बाद जो है डॉर्चिन के बाद वो सीधे जो है कैलाश जा सकते हैं। ही मस्ट ट्रैवल इन कंपनी विद अदर, देखिए यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो उसके साथी थे होर से ही उसे छोड़ कर जा चुके थे, जो उसका जो गाइड था सेक्टन वो भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब राइटर जो है अकेला जो है कैलाश की यात्रा पे नहीं जा सकता था, इसलिए उसे एक साथी की जरूरत थी और उसे एक साथी जो एक रेस्टोरेंट में मिला। ही मस्ट ट्रैवल इन कंपनी विद अदर ट्रैवलर लेस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्नो एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस शुड ट्रैप देम। अब उसे जो है ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसके साथ जो है चल सकता था, जो उसकी प्रॉब्लम्स को जो है शेयर कर सकता था, जो उसके साथ मिलकर जो है पूरा की यात्रा कर सकता था। तो बच्चों ये थी आपके लिए एक बिल्कुल एक समरी, जिसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। यदि आप इस समरी को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका चैप्टर जो है एक तरह से पूरा कंप्लीट हो सकता है। अब मैं आपसे के अगले पेज पे जो है इसी चैप्टर के जो है कुछ मेन पॉइंट्स जो है डिस्कस करूँगा। आइए देखते हैं सिल्क रोड, द ऑथर क्रॉनिकल्स द चैलेंजेस एंड द हार्डशिप्स ही फेस्ड इन द सिल्क रोड रीजन्स एज दे आर नाउ। और राइटर कहता है कि राइटर को जो है क्रॉनिकल चैलेंजेस यानी चुनौतियां स्वीकार करना और मुश्किल रास्तों पर चलना बड़ा अच्छा लगता था और सिल्क रोड उन्हीं में से एक था। द रीडर फाइंड्स इट रिफ्रेशिंग टू ट्रैवलर सच एज वास्ट ट्रैक्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी एक्सपेंसिज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड रिमेन लार्जली अनटेम्ड। और जो रीडर्स है यहाँ पर यानी जो आप सभी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके सामने जो फिजिकली जो भौतिक ज्योग्राफी है उसको देखने का एक चांस मौका मिलेगा। एज अ ट्रेड रूट, जैसे जिस प्रकार जो है ट्रेड रूट मीन्स एक व्यापारिक रास्ते के होते हुए द सिल्क रोड हैज़ बीन लेस अ सिंगल हाईवे एंड मोर अ नेटवर्क ओवर लैंड रूट्स लिंकिंग यूरोप विद एशिया मेकिंग ट्रेड पॉसिबल बिटवीन दोज विद अ पैशन फॉर सिल्क हॉर्सेज एंड एग्जोटिक फौना एंड फ्लोरा। देखिए यहाँ पे जो है सिल्क रोड की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि जब पुराने समय के दौरान यूरोप के साथ जो है एशिया से व्यापार किया जाता था सीसी रास्ते के दौरान, तो वहाँ से जो है एक पैशन था लोगों के अंदर, एक शौक था किस चीज़ का, सिल्क का, घोड़ों का और एग्जोटिक और विशेष प्रकार की फ्लोरा एंड फोना जो कि एशिया से जो है ट्रांसपोर्ट की जाती थी। जस्ट अबाउट एवरी ट्रांजेक्शन इमेजिनेबल हैज अकर्ड अलॉन्ग इट्स मैनी ट्रेल्स ओवर द सेंचुरीज, और ये जो है कई सदियों से जो इसका ट्रेंड्स जो है बना रहा था इस रास्ते का। आगे देखते हैं, मिडिल्टन्स पर्टिकुलर पैसेंजर कंसिस्ट ऑफ द एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू नेचर विसिट्यूड्स, और यहाँ पर राइटर कहता है कि जो निक मिडिल्टन है उनका जो एक पैसन रहा है, एक शौक रहा है इस प्रकार के रास्तों पर चलना जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे हो। तो यहाँ पर एक्सपोजिंग टू हिमसेल्फ नेचर, नेचर के साथ जो अपने आप को जो है क्या करता है कि अपने आप को एक्सपोज करता है राइटर, यानी कि राइटर जो है प्रकृति के साथ रहकर, प्रकृति के साथ जो है रहकर जो अपने आप को जो है
जोड़ना चाहता है। नेचर विसिट्यूड्स विच लाइक फेसिंग ऑक्सीजन स्टारवेशन इन तिब्बत एज द क्लाइम्स टुवार्ड्स द नेवल ऑफ द यूनिवर्स एंड द अदर हार्डशिप्स ड्यूरिंग द जर्नी। राइटर कहता है कि उन सभी हार्डशिप्स और जर्नी को जो है राइटर यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, देखता है, ठीक है। यानी कि ये एक तरह से नेचर विशिष्ट का मतलब होता है उलटफेर करना, ठीक है, उतार चढ़ाव आना। उन सभी उतार चढ़ाव को राइटर जो यहाँ पे देखता है, फेस करता है, लाइक फेसिंग ऑक्सीजन स्टारवेशन इन तिब्बत। जैसे तिब्बत पर पहुँचते हैं तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो उन तिब्बत एज द क्लाइम टुवार्ड्स द नेवल ऑफ द यूनिवर्स, नेवल ऑफ द यूनिवर्स जिसे संसार की छत कहा जाता है, उस पर पहुंचता है। एंड अदर हार्डशिप्स ड्यूरिंग द जर्नी, और जर्नी के दौरान कौन कौन सी मुसीबत आती है, उन सभी को जो है राइटर यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। द ऑथर इज एन एडवेंचर, और ऑथर क्या है, एक एडवेंचर, एक साहसिक है, बट एट हार्ट मोर अ मेटिकुलस एकेडमिक देन अ डेयर डेविल। लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ परिस्थितियाँ, एकेडमिक मेटिकुलस परिस्थितियाँ यानी विषम परिस्थितियाँ भी सामने आ जाती है राइटर के, उन सभी विषम परिस्थितियों को भी राइटर यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यानी कि जो छोटी मोटी सूक्ष्म परिस्थितियाँ यहाँ पे आई, उन सभी को जो है एक साहसी बन के जो सबका सामना करता है। रिसर्चिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्टीट्यूड सिकनेस ही इज अलार्म टू डिस्कवर इट कैन लीड टू स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन और द लंग्स स्लोली फिलिंग विद फ्लूड। और राइटर कहता है कि जब राइटर जो है सो ही इज अलार्म टू डिस्कवर इट कैन, जब राइटर को जो ऊंचे अल्टीट्यूड सिकनेस यानी कि ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, रिसर्चिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द अल्टीट्यूड सिकनेस, अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई पर पहुंच जाना, जहां प्रॉब्लम आ जाती है, शरीर को हानि हो जाती है, ही इज अलार्म टू डिस्कवर इट कैन ही लीड टू स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, दिमाग जो है सूजने लग जाता है और लंग्स जो है फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और वहाँ जो है हमारे शरीर से एक लिक्विड जो है निकलना शुरू हो जाता है, वो सारी समस्याओं का राइटर यहाँ पर वर्णन करता है। हैविंग नो रिलीजियस इंक्लाइनेशन हिमसेल्फ ही बिगिन्स टू स्पेकुलेट ऑन तिब्बत बुद्धिज्म एज अ प्रेरिक्यूसाइट फॉर सर्वाइवल एट सच एज एन अल्टीट्यूड, येट मेक्स द क्लासिक वेस्टर्न एरर ऑफ द पुटिंग बॉडीली डिसिप्लिन बिफोर मेंटल स्टार्विंग। तो यहाँ पर इस लाइन को, तो इस पैसेज को आप छोड़ सकते हो, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस अकाउंट ऑफ द सिल्क रोड विद इट्स कॉन्ट्रास्ट एंड एग्जोटिक डिटेल सर्टेनली डिस्क्राइब द चैलेंज एंड द हार्डशिप्स मिडल्टन फेस्ड। और यहाँ पर राइटर जो है सिल्क रोड के दौरान रास्ते पर आने वाली सभी परिस्थितियों को जो है, और उस एग्जोटिक डिटेल और वो विशेष जो डिटेल थी, उन सभी का जो है राइटर यहाँ पे वर्णन करता है। सर्टेनली डिस्क्राइब द चैलेंजेस एंड द हार्डशिप्स, और जो जो चैलेंजेस और जो मुश्किलें यहाँ पर राइटर जो फेस करता है, उन सभी को राइटर ने यहाँ पर वर्णन किया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने जो है कुछ मेन पॉइंट्स और जो है डिस्कस करूँगा, आप देख लीजिए। ये इससे पहले क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जो अच्छी तरह से सुन सकते हो, समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे जो यदि बात करते हैं, हम जर्नी जो स्टार्ट होने की बात करें, तो ये सबसे पहले जो जर्नी हमारी शुरू होती है रोहू से, ठीक है। वो कहाँ से है, अभी देखिए, जर्नी स्टार्टेड, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नी स्टार्टेड। जर्नी स्टार्टेड होती है राहु, राहु जो एक स्थान है, और उसके बाद जो है यहाँ पर वो कहाँ की जर्नी शुरू करते हैं, डेस्टिनेशन कहाँ का है, डेस्टिनेशन है माउंट कैलाश का। और यहाँ पर जो है लास्मो गिफ्टेड टू अ लॉन्ग शिप स्किन कोट, और यहाँ पर लैस्मो जो एक लड़की है जो उसके साथ होती है, और राइटर को जो गिफ्ट करती है एक लॉन्ग शिप स्किन, यानी कि जिसकी जो पूरी तरह से भेड़ की स्किन से बना हुआ एक कोट है, वो कोट जो उसको अवेलेबल करवाती है, प्रोवाइड करवाती है, जो उसको सर्दी से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित था। उसके बाद राइटर जो है पहुँचता साइट्स ऑफ द ड्रोकबास फ्लॉक्स, और राइटर जो उसके बाद ड्रोकबास के जो साइट्स वो देखता है, पहाड़ी एरिया का देखता है। राइटर के साथ जो सैटन नाम का जो गाइड है, वो बताता है कि मैं जो अच्छी तरह से रास्ते को जानता हूँ, और वो राइटर को बताता है कि ये सारा का रास्ता जो सारा का सारा रूट जो है काफ़ी रफ है, काफ़ी डस्टी है, काफ़ी जो है साइट्स जो है काफ़ी डार्कनेस है, यानी कि एक तरह से कहीं की डलनेस है, कोई जोश नहीं है, क्योंकि धूल भरा रास्ता है, बर्फ़ से भरा हुआ रास्ता है। तो उन साइट्स की वहाँ की जब देखता है, तो ड्रोकबास एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा
पशुओं से भरा हुआ था, वहाँ का जो फ्लोक्स थे, जो पशुओं के ग्रुप थे, उनको राइटर देखते हैं पास्ट थ्रो तिब्बतीन टेंट्स, और उसके बाद वो जो है वहाँ से तिब्बत के जो टेंट लगे हुए देखते हैं, जहाँ पर जो है वो तिब्बतन जो है मास्किप्स, मास्किप्स मीन्स एक तरह से कह सकते हैं शिकारी कुत्ते वहाँ पे होते हैं जो उन टेंट की रक्षा करते हैं, उनके लिए देख रेख में लगे हुए हैं। तो राइटर उन सभी चीज़ों को देखते हुए जाते हैं। उसके बाद राइटर जो है सनो क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स प्लस शार्प टर्न्स, और राइटर के सामने जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वहाँ की स्नो, जो बर्फ़ है, बर्फ जो है पूरे रास्तों पर गिरी हुई है, काफ़ी स्लीपी जो है रास्ते बने हुए हैं। उसके बाद जो है राइटर जो है उस रास्ते से जाते हुए गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, केवल ड्राइवर जो है गाड़ी को ड्राइव करता है, बाकी दोनों दोस्त जो है नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे था, काफ़ी ऊंचाई पे वो जो चल रहे थे। और उसके बाद जो दूसरा रिस्क था उनका शार्प टर्न्स, और पहाड़ी एरिया में हम सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न्स होते हैं, जिनसे बचने के लिए राइटर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। राइटर जो है 510 मीटर की ऊंचाई पर जो पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जो है ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो जाता है, फिर और वहां जाने के बाद उन्हें जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वहां पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो जो पेट्रोल है, जो उनका जो पेट्रोल का फ्यूल है, जो ईंधन का जो टैंक है, उसका ढक्कन खोल देते हैं जो ड्राइवर होते हैं, जो सेटन होते हैं, और जैसे ही वो उसके ढक्कन को खोलते हैं तो उसे एक स्मेल निकलती है, और उस स्मेल से जो है राइटर जो है हेडक पेन महसूस करता है, उसके जो सिर दर्द हो जाता है, और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं होर नामक जगह पे, जहाँ पे वो जो है देखते हैं कुछ दूसरे बुद्धिज्म को जो कि जो है फ्लैग्स वो देखते हैं। और यहाँ पे आने के बाद, होर पहुंचने के बाद जो उसका जो साथी था वो भी जो उसे अकेला छोड़ देता है, राइटर को अकेला छोड़ देता है, ठीक है, रीच टू होर, और वो जो है होर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर गेस्ट हाउस में रुकते हैं, और उसके बाद डोरचिन पहुँचते हैं 10:30 बजे, वो एक पर्टिकुलर डे पे जो है पर्टिकुलर टाइम पर डोरचिन में पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर पहुँचने के बाद ऑथर कुड नॉट स्लीप, यानी कि पूरी रात जो है राइटर सो नहीं पाता, क्यों नहीं सो पाता, कारण क्या था, एक तो उसे साइनस हो जाता है, यानी कि जुकाम लग जाता है, सर्दी लग जाता है, और उसके बाद लेस ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होती, तो इसलिए राइटर को जो है मेडिसिन लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है, गोज़ टू मेडिकल कॉलेज एंड गेट्स मेडिसिन, और वो मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद सैतन लेफ्ट हिम, और सैतन उसे छोड़कर चला जाता है, अब राइटर जो है अकेला हो जाता है। राइटर को जो है एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उनके साथ चल सके और उसके उसे जो है कैलाश तक पहुँचा सके। फिर वो जो है राइटर को जो है एक ऐसा साथी मिल जाता है जिसका नाम है नोरबू। नोरबू जो है एक इंग्लिश की बुक पढ़ रहा है और वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति जो है इंग्लिश जानता है और वो उसका साथी बन सकता है। नोरबू भी जो है कैलाश पे जो कुछ रिसर्च करना चाहता है, दोनों साथी जो है मिलकर जो आगे चल पड़ते हैं। तो नोरबू और निक जो है अपनी जर्नी को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये इस प्रकार जो है सिल्क रोड का जो रास्ता है, जो स्टोरी है वो पूरी हो जाती है, और आगे हम जो इसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो है यहाँ पे मैंने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप इन सभी को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डकिंग बैक का आपने नोट्स लिखना है, स्वाथ के ऊपर नोट लिखना है, कैरियर डाउन के ऊपर नोट लिखना है, ठीक है, ये सभी जो है कुछ फ्लैट साल्ट स्लेट्स दिए गए हैं, साल्ट फ्लैट्स दिए गए हैं, केरन ऑफ द रॉक्स दिए गए हैं, बिलोड के, ये सभी जो है आप इन पे नोट्स लिखना है, आप इन सभी के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, वैसे तो ये वर्ड मीनिंग ही समझ लेना आप, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट यदि हम देखें, ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड। सिल्क रोड का मैंने जो है आपको बता दिया कि सिल्क रोड पर एक पूरा आर्टिकल लिखिए, ये सारा का सारी आप जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो, इस चीज़ को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। टाइटल ऑफ द आर्टिकल हैज़ बीन नेम्ड ऑफ द हिस्टोरिक सिल्क रोड रोड्स, ये सिल्क रोड से संबंधित है। द नेटवर्क कनेक्टेड द एफ्रो यूरेशियन लैंडमार्क्स, इट एस्टेब्लिश्ड ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क स्पाइसेस टीज एंड द पोर्सलेन इंडियन टेक्सटाइल्स प्रीसियस स्टोन्स एंड पेपर एंड द रोमन एम्पायर्स गोल्ड सिल्वर, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ इस रास्ते से जो है ट्रांसपोर्ट की जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वर्क वेल आफ्टर ऑल, ठीक है भाई, इस आखिरकार राइटर की जो पॉजिटिव थिंकिंग थी वो जो है
अच्छी तरह से जो कामयाब हो पाई, इसके बारे में जो आप लिख सकते हो, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, आप इन सब के आंसर जो है प्रिपेयर कर सकते हो, आपको किसी दूसरी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों मैं जो सभी वीडियो इसी प्रकार से बनाता हूँ, सभी का सब पूरा का पूरा कंटेंट जो आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और लक्ष्य अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो आने वाली वीडियो हमारी लगातार मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।